ओ मैन, ये देख रहे हो? और मैं सिंगल पे, ये देख रहे हो? वो ये देख रहे हो? ओ ये पागल है तू, के पास जो अल्कोहल वगैरह है देख रहे हो? मारेगा देखो, चक्कर रहे हो? ये देख रहे हो? ओ भाई चक्कर रहे हो? ये है यमहा RX 100, चक्कर रहे हो? यहाँ पे एक व्हीली बजने वाली है। ओ हो, ये चक्करा, ये क्या भाग रही है लिटरली यार, कसम से। ये लग रहा है हमारा विलशील्ड, खतरनाक तरीके से। अब बस इस पे यूट्यूब का जो है लोगो वगैरह लगाना है। मैं फुल पावर रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए एक राइड पे, तो ये टूट गया था, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ से, और यहाँ से भी थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह लगे थे, तो ये तो चल जाएगा, लेकिन गाइस ये तो डलाना पड़ेगा इसमें नया, और यहाँ पे ये भी टूटा हुआ था, तो ये भी करवाएंगे रिपेयर अच्छे से। तो फिलहाल तो ये ठीक करवाना है सबसे मेन चीज़, और लाइट भी थोड़ी बहुत स्क्रैचेस लगे हुए थे, ये चलेगा, पहले ये ठीक करवाते हैं फिर देखते हैं आगे का सीन क्या हो रही है। मेरी बाइक कोल स्टार्ट, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से ये टूटी थी कल, बट आज जो हम इसको रिपेयर करवाएंगे। यहाँ से ये भी टूटा है, तो ये भी चेक करेंगे कि ये मिलता है नया। तो गाइस अभी का सीन है, ये मैं निकल चुका हूँ घर से, और पहले सीधे जाते हैं फ्यूल स्टेशन, पहले जो है बाइक में फ्यूल थोड़ा भराते हैं, उसके बाद जाते हैं बाइक रिपेयर वाले के पास, तो करवाते हैं अपनी बाइक को रिपेयर। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, तो ऐसे ही प्यार बरसाए रखो, आगे बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टेंट्स आने वाले। नेक्स्ट संडे जो है आमिर माजिद का मीटअप है, तो नेक्स्ट संडे के दिन तबाही सीन होगा पूरा का पूरा, क्योंकि तब तक जो है उनके सॉन्ग्स का शूट होने वाला है, तो वो अपने सॉन्ग्स का शूट खत्म करेंगे, उसके बाद जो है मीटअप होगा, और उसके बाद वो निकल जाएंगे घर वापस। तो पहले श्रीनगर पुलिस से परमिशन लेनी है, तो देखते हैं तब तक वो परमिशन लेंगे, तब तक जो है वेट करना पड़ेगा। एंड मेन चीज ये है कि आज आपको वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि मैंने जो अपनी माइक वहां पे एडजस्ट की है ना गाइज, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे अगर मैं माइक एडजस्ट करूंगा इतना ज्यादा विंड नॉइज कम आएगा। विंड नॉइज तो बिल्कुल आता ही नहीं है, मतलब अगर मैं 100 के क्रॉस भी चला जाऊं तो विंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसा कल ज्यादा लगती ना मुझे गाइस, फिर तबाही सीन हो जाता, मतलब मैं ना मीटअप पे जा पाता और ना ही मैं व्लॉग्स बना पाता। दिन के 2 बजे हैं और धुन चेक करो एक बार गाइस, तबाही सीन है कसम से यार। मुझे पता है विंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने जो है माइक बड़ी अच्छी जगह पे जो है छुपा के रखी है, तो उस वजह से जो है विंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो चीज़ जो है खतरनाक। पहले चलते हैं यहाँ भाई के पास, देखते हैं ये मिलता है इसके पास कि नहीं, अगर मिलता है तो डालेंगे। ये देख रहे हो खतरनाक सीन है चाचा, तो देखते हैं अगर इसके पास मिलता है तो डालते हैं, अगर नहीं गाइस फिर तबाही सीन। भाई बोल रहा है कि मिलेगा, तो पहले जो इसका विंडशील्ड डालते हैं, फिर देखते हैं बाकी का सीन क्या बनता है। गाइस ये आ चुका है नया वाला विंडशील्ड, जो कि यहाँ पे लगेगा कुछ ऐसे, और ये वाला जो अभी बाहर निकलेगा, तो अभी चेक करते हैं क्या सीन बनता है आगे। दोनों को कौन कौन जानता है गाइस, इसको पता है? हाथ दिखा पहले हाथ दिखाओ। तो ये है उबैद और ये है अपनी जानी, कैसी चल रही है पार्टी ब्रो? उसको ये डालना है, तो ये कल टूटा अभी नया डालते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। एक तो कुत्ता मार दिया और अपनी बाइक भी तोड़ दी कसम से यार। अभी राइड का सोच रहे थे, कल चलेगा राइड पे, यूस मार्ग चलते हैं कल, डन पक्का? काशिम को भी बोल के रखना, तो कल यूस मार्ग चलते हैं, ठीक है जाने भाई। तो अभी का सीन ये है कि अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा एल्फी वगैरह लाते हैं, इसका जो है एक हुक टूट गया है। ये राइड कौन कर रहा है गाइस? उबैद, ओ धीरे धीरे चल, ओ ये कल ही टूटी, अभी और नहीं टूटवानी है मुझे। एल्फी हमने ले लिया है, तो अभी निकलते हैं नीचे वाली साइड, तो उबैद जो है भगा रहा है मेरी वाली। ओ धीरे धीरे भाई, ओ भाई धीरे, पागल है क्या? मिशी फेरा क्या यूट्यूब लोगों? आधा काम जो है वो खत्म हो चुका है इसका, ये वाला जो है क्लियर हो गया है, अभी जो विंडशील्ड लगाना है उसके बाद निकलेंगे। लग रहा है हमारा विंडशील्ड, खतरनाक तरीके से। अब बस इस पे यूट्यूब का जो है लोगो वगैरह लगाना है, तो फिर बन जाएगी अपनी बीस्ट फिर से। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी चलते हैं ऊपर वाली साइड, विंडशील्ड जो है हमारा लग चुका है बाइक में, और खतरनाक लग रही है हमारी बीस्ट। फिर इस पे लगाना यूट्यूब का स्टीकर वापस से, तब जाके जो है मुझे बीस्ट वाला रूप फिर से इसका दिखेगा। वैद और जानी भाई को करते हैं ऊपर ड्रॉप, उसके बाद निकलेंगे वापस घर की तरफ। बट ये वाला सीन एक बार चेक करो, तबाही सीन है। ट्रैफिक हमें देखने को मिल चुका है, कल हम प्लानिंग कर रहे हैं यूसमर्ग जाने की,
तो अगर कल सक्सेसफुल रहता है यूसमर्ग जाने का प्लान तो गाइस फिर तो तबाही सीन है। भाई के पास चलते हैं, वहाँ पे उसको यूट्यूब का स्टिकर का पूछते हैं, यूट्यूब का स्टिकर उसके पास है कि नहीं। मेरे पास एक और हेलमेट है, उसमें रैप भी करवाना था, बट वो वाला भाई जो है वो पता नहीं कहाँ था, तो तब से मैं आ जा रहा हूँ उसके पास। परसों जो है यहाँ पे मेरा क्रैश होने वाला था, नहीं मैं कैसे बच गया उस टाइम, तबाही सीन होने वाला था यहाँ पे भी। जितने भी बंदे मुझे देख रहे हो ना भाई, प्लीज हेलमेट पहना करो, मैं आज फंस गया। भाई जो एक बाइक के साथ बिजी है, तो उस वजह से जो हम कल आएंगे यहाँ पे। वैसे पहले चलते हैं, लाते हैं अजान के लिए सॉक्स, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। तो अजान के लिए सॉक्स हमने ले लिया है, रैबिट वूल वाला। मैंने आपको परसों के एक व्लॉग में भी कहा था कि हम एक बाइक को राइड करेंगे जो कि पुराने जमाने में आती थी, आज है वो मेरे भाई के पास, लेकिन वो ब्रांड न्यू कंडीशन में है, समझ रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन है ना उसकी, मैं क्या बताऊं आपको। देख रहे हो, ओ भाई ये चेक कर रहे हो बंदा क्या कर रहा है, ये है यमहा आरएक्स 100, वो देख रहे हो बाग क्या रहा है बंदा, वो देख, ये चेक कर रहे हो गाइस, भाई ये क्या कर रहा है बंदा, ये बंदा बिल्कुल क्रेजी है। देख रहे हो किस वाली बाइक पे ये भगा रहा है, चेक कर रहे हो, ये है यमहा आरएक्स 100, ये चेक कर रहे हो यमहा आरएक्स 100 लेजेंडरी बाइक है गाइस, तबाही सीन है, खतरनाक गाइस। अब इसको राइड करके देखते हैं, चढ़ जा भाई, ये क्या भाग रही है लिटरली यार, कसम से। ओह मैन, मतलब लिटरली ये खतरनाक मशीन है, मैं क्या बताऊं गाइस, तबाही सीन है। हॉर्न भी नहीं चल रही है, बस इसको हॉर्न की क्या जरूरत है, इसका साउंड सुन रहे हो, ओह मैन मतलब समझ रहे हो, कसम से ये लिटरली, ओह मैन व्हीली हो गई इसमें, मतलब देख रहे हो इस वाली बाइक में व्हीली बच गई। ओह भाई ये क्या भाग रही है गाइस, तो तबाही है, मतलब ये देख रहे हो गाइस, मतलब कसम से ये तबाही है इसके बाद। ओह मैन, ये तबाही है बिल्कुल, ये कम से कम 100 स्पीड से भाग रही है बाइक, ओहो मतलब बिल्कुल तबाही सीन है, ये खतरनाक है गाइस, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने इतनी नई और इतनी साफ बाइक नहीं देखी है। अभी सामने रुक के आपको दिखाते हैं इसके बारे में कितनी क्लीन है, इसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको पहले, ये देख रहे हो गाइस, नीट एंड क्लीन बाइक है ये पूरी। इसमें जो है टूटी वगैरह डालनी पड़ती है, उस वजह से थोड़ा धुआं निकल रहा है, ये यहाँ पे चक जमा आर के सेंडर इतनी ज़्यादा क्लीन चक कर रहे हो भाई, बोल रहा है ये 1996 मॉडल है और नीट एंड क्लीन है, और टायर वायर भाई ने इसमें नए इंस्टॉल करवाए हैं, और मीटर वगैरह चेक कर लो गाइस, कसम से तबाही सीन है। इस बाइक का मैं बचपन से दीवाना था, मतलब मैं क्या बताऊं इसे, जब मैंने परसों देखा ना मैं क्रेजी हो गया, भाई ये भी अभी भी है, मैं ये सोच रहा था ये अभी भी है, अगर ये भाई बेचता है तो मैं इसको आंखें बंद करके लूंगा, लेकिन ये बेच नहीं रहा है, इसको फुल पावर तबाही बाइक है ये, देख रहे हो, वो देख रहे हो वो क्या भाग रहा है, लिटरली खतरनाक गाइस, देखो गाइस ये चक्करा, इस पे इतनी सारी ड्रिफ्ट्स मारता है ना, मैं क्या बताऊं आपको कसम से, अभी ये ड्रिफ्ट मारेंगे देखो, ये चक्कर रहे हो, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, अरे बेचेगा ना कसम से, मैं आंखें बंद करके इसको लूंगा, पापा जो है इस बाइक को देखे ना, मतलब उनकी आंखें ना ऐसे बाहर आ जाएंगी, मतलब सच में ये बाइक अभी भी है। मैं छोटा था तभी मेरे पापा के पास थी, और मुझे जब चलानी नहीं आती चाचा मुझे धक्का देता था, बाइक पे चाबी जो है पापा के पास होती थी, तो उस वजह से जो है मेरा चाचा मुझे धक्का देके चलाता था, तब से मुझे एक क्रेज है, ठीक है, मुझे ये क्रेज बचपन से है, मेरे पापा को एक क्रेज था और ये क्रेज जो है मुझ में ट्रांसफर हो गया, मुझे सीधा फील हो रहा है मैं सुपर बाइक पे बैठ गया हूँ कसम से यार, लेकिन उस बाइक में पावर क्या है, मतलब ये 1996 मॉडल है और अभी भी कितनी नई है ये बाइक, मुझसे अब ये वाली बाइक कंट्रोल नहीं हो रही है कसम से भाई, मुझसे ये कंट्रोल ही नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया,
ये देख रहे हो, इस बंदे ने परसों आमिर माजी के सामने यही वाली बाइक रख दी थी। आमिर माजी ने जहर खाया होगा भाई, क्या ड्रैगन के सामने कौन सी बला रख दी तुमने, असली ड्रैगन तो ये है, देख रहे हो गाइस। चाय भी निकलती तो फिर कहाँ भागता, ये देख रहे पीछे क्या है, यमा आर के सेंड्रेंट कहीं से भी पकड़ लेंगे। ओ मैन, ये देख रहे हो, ओ मैन, ये देख रहे हो खतरनाक गाइस, ये सीन तबाही है। ओ निकलो, ओ ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में इसने उड़ा ही दिया था भाई, कसम से बात ने ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में भाई उड़ा ही दिया था इसको, खतरनाक। देख रहे हो तबाही, तो भाई इमाम ने जो है ठोक दी भाई उसको, मतलब वो लिटरली कैसे बचा और इसको क्या गालियां पड़ी, वो देख रहे हो, ओ ओ भाई गाड़ी वाला क्या कर रहा है, वाला देख रहे हो क्या कर रहा है, ये देख, ओ ओ मैन ये चेक कर रहे हो, क्या खतरनाक सीन है ये, कितना ज्यादा रिस्क लेता है गाइस, मैं तो थोड़ी सी भी नहीं लेता हूं। गाइस फैम जो है वहां आ गए हैं, ये क्या कर रहा है, ओ ओ ओ भाई ये देख रहे हो, ओ भाई इसके पास शराब है, इसके पास जो है अल्कोहल वगैरह है, देख रहे हो, अकल मुझे लात मार दी पीछे से, खतरनाक। फंस गया ये, फंस गया फंस गया फंस गया, आजा 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 भाई, क्या कर रहे हैं तू, जब से मैंने आर के सेंटर चलाई ना गाइस, तब से जो इस बाइक पे मजा नहीं आ रहा है गाइस, तबाही है तबाही है। ये देखो गाइस, तो मैं तो इतना नहीं भगाऊंगा, ये देखो ये देखो, ओ भाई गाड़ी आ गई, ये तो आगे नहीं जा सकता है, ओहो ये जो है डबल पे था और मैं सिंगल पे, देख रहे हो, ओ ओ ओ भाई ये चक्कर, ये क्या कर रहा है, ये कितनी ज्यादा रिस्क लेता है, ओ ओ ये पागल है तू, ओ ये पागल है तू, मार दिए थे इसको यार, इस बंदे को कहां जाना है, देख रहे हो, फॉर्म जो है मरते मरते बचा है कितना सारा, ये क्या कर रहा है, पागल है क्या, तो
जाने देते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, कसम से कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये बहुत बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। मतलब देख रहे हो बंदा कहाँ से भाग रहा है। ओ ओ ओ ओ भाई, मुझे इस बाइक का कंट्रोल नहीं हो रहा है, कसम से कह रहा हूँ। क्या तबाही सीन है। जब से मैंने अर्ज सीडी चलाई है तब से जो है इस वाली बाइक पे मुझे मजा ही नहीं आ रहा है चलाने में। देख रहे हो यहाँ पे एक व्हीली बजने वाली है। ओ हो, ये चेक करो। अभी मैं चला रहा हूँ इसकी वर्जन 4 फुल ब्लैक। इस पर जो है थोड़ी बहुत स्टॉपीज वगैरह करेंगे। और भाई कैसे हो? बढ़िया। गाइस ये रही मेरी बाइक और इसमें जो है विंडशील्ड वो लग चुका है खतरनाक तरीके से। तो अभी इसमें बस लोगो चिपकाना है यूट्यूब का, बाकी सारा सीन जो है वो सेट है। कल हम जाएंगे राइड पे, वो नहीं पता वो श्रीनगर राइड होगी या यूसमर्ग राइड होगी, दोनों में से एक राइड होगी। तो अभी का सीन ये है कि अभी चलते हैं सीधा घर। व्लॉग जो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको जो मेरा व्लॉग है पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी बी फाइन, खुदा हाफिज़।